घने कोहरे के चलते दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में दृश्यता जीरो, हाईवे पर लाइट जलाकर चले वाहन। राजधानी दिल्ली समेत पूर्वोत्तर भारत को ठंड और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। सोमवार तड़के से ही कोहरा छाया है और शीतलहर चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों तक कई राज्यों को इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग IMD ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट और राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में घने से बहुत घना कोहरा छाने का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में आज कोहरे के चलते विजिबिलिटी ना के बराबर रही। दिल्ली और यूपी में तो कोहरे के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। दिल्ली में आज घना कोहरा छाने के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर की है। खराब दृश्यता के चलते दिल्ली में आज ट्रैफिक रेंगता दिखाई दिया। कम विजिबिलिटी के चलते ट्रैफिक विभाग ने भी गाड़ियों की रफ्तार कम रखने की हिदायत दी। दिल्ली में तो ठंड और कोहरे के कारण निजी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पर भी घने कोहरे का असर दिखाई दिया। दिल्ली, पानीपत और फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर लोग लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे। वहीं विजिबिलिटी कम होने के चलते यूपी के कई हाईवे पर भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिखाई दी। लोगों को वाहन की स्पीड भी कम रखने की हिदायत दे दी गई है। दिल्ली में शीतलहर के चलते आज सुबह सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री रहा। वहीं पंजाब के कई जिलों में पारा काफी नीचे चला गया। रूपनगर में अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमृतसर में न्यूनतम 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फरीदकोट में तो ठंड के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। कोहरे के कारण दिल्ली, यूपी और पंजाब में विजिबिलिटी ना के बराबर रही। दिल्ली में यहाँ 50 मीटर तक रही तो पंजाब के बठिंडा और यूपी के लखनऊ, आगरा और बरेली में जीरो विजिबिलिटी रही। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कई जगह जीरो विजिबिलिटी रही। शीतलहर और घनी धुंध से जूझ रहे पूर्वोत्तर भारत को अभी आने वाले दिनों में राहत मिलती नहीं दिखेगी। IMD ने तो कई राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।